असम में चुनावी जीत से पहली बार पूर्वोत्तर में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी गठबंधन ने असम में दो तिहाई से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। बीजेपी गठबंधन को 126 में से 86 सीटें मिली हैं। बीजेपी नेता सर्वानंद सोनोवाल 24 मई को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुई बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया। सोनोवाल के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लेफ्ट और कांग्रेस का अकेले मुकाबला करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी ने लगातार दूसरी बार पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 211 सीटें मिली हैं, लेफ्ट फ्रंट को 32 और कांग्रेस को 44 सीटें हासिल हुई हैं। तमिलनाडु में लगातार दूसरी बार जयललिता की एआईएडीएमके ने सत्ता में वापसी की है। 232 सीटों पर हुए चुनाव में एआईएडीएमके को 134 सीटें मिली हैं, जबकि डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को 98 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा है। केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को सत्ता से बाहर कर दिया है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को 83 और यूडीएफ को 46 सीटें मिली हैं। बीजेपी को एक सीट मिली है। बीजेपी का खाता यहाँ खुला है। पेरिस से काहिरा जा रहे इजिप्ट एयरलाइंस के प्लेन के क्रैश होने की फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकवा होलान ने पुष्टि की है। गुरुवार को पेरिस से काहिरा जा रही इजिप्ट एयरलाइंस की फ्लाइट भूमध्य सागर के ऊपर क्रैश हो गई। फ्लाइट में क्रू समेत 66 लोग सवार थे। पठानकोट एयरबेस हमले में शामिल रहे आतंकी शाहिद लतीफ के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। एनआईए ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी।